Hello students, how are you all? I hope all are fine. Today let's start 9th and 10th class topic is long division method from polynomial. Okay. Question number first is that we find the remainder and quotient when polynomial p of x is this. Okay. Is divided by g of x. So g of x we have to taken here 2x minus 1 and 3 plus 2x. Okay. यानी कि दिस इज द अगर हम नॉर्मल डिवीजन की बात करते हैं नॉर्मल न्यूमेरिकल डिवीजन तो हेयर देर आर टू थिंग्स डिवाइडेड एंड डिवाइजर ओके तो सेम थिंग ऑल्सो फॉर इन दिस क्वेश्चन ऑल्सो तो पी ऑफ एक्स इज दिस इज द पॉलिनोमियल सो दिस इज कॉल्ड डिवाइडेड पार्ट ओके एक्स माइनस वन एक्स जी ऑफ एक्स तो एक्स माइनस वन इज द डिवाइजर पार्ट ओके सो हाउ टू डू डिवाइड जब भी हम डिवाइड करते हैं पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स में या फिर नॉर्मल डिवीजन करते हैं तो हमें दो चीजें मिलती है राइट तो टू थिंग्स व्हाट क्वेश्चन ऑफ एक्स एंड द रिमाइंडर ऑफ एक्स यानी कि क्वेश्चन एंड रिमाइंडर पार्ट ओके तो किस तरीके से हमें यहाँ पे डिवाइड करना है तो वो हमें यहाँ पे जानना है राइट तो पॉलिनोमियल ऑफ एक्स व्हाट गिवन अगेन आई राइट हियर एक्स रेज़ टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 और g ऑफ x यहाँ पे क्या है 1 टाइम x माइनस 1 ओके सो जाके डिवाइड करेंगे दूसरा डिवाइड करेंगे तो 3 प्लस 2x तो किस तरीके से डिवाइड करना है यहाँ पे हमें जानना है ओके तो इन साइड ऑफ दिस सिंबल वी विल राइट डिवाइडेंड पार्ट ओके x रेज टू पावर 4 प्लस x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 ओके यहाँ पे g ऑफ x x माइनस 1 ओके यहाँ पर मैं ले लेता हूँ इसका रफ वर्क ओके जब भी हम डिवाइड करते हैं दिस इज द बाइनोमियल एंड दिस इज द पॉलिनोमियल मोर देन 3 टर्म्स इज नॉन एज पॉलिनोमियल ओके एक्स का डिवाइड करेंगे एक्स रेज़ टू पावर 4 में तो एक्स रेज़ टू पावर 4 डिवाइड बाय एक्स एक्स की कितनी पावर है यहाँ पे 1 एक्स की पावर हियर 4 जब भी इसको कट करता हूँ यहाँ पे तो 1 पावर से 1 पावर कट हाउ मेनी पावर रिमेन 3 तो कितना आएगा यहाँ पे एक्स क्यूब तो एक्स क्यूब कहाँ राइट करेंगे इस क्वेश्चन पार्ट में क्वेश्चन ऑफ एक्स इज इक्वल टू ओके यानी एक्स मल्टीप्लाई दिस एक्स क्यूब देन व्हाट कम एक्स रेज टू पावर 4 ओके सेकंड टर्म ऑफ दिस बाइनोमियल माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब इज माइनस एक्स क्यूब ओके हमें यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पे लाइक टर्म के नीचे ऑलवेज लाइक टर्म ही राइट करेंगे ओके और कुछ राइट नहीं करेंगे यहाँ पे अब देखो इसको किस तरीके से हम इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे एक्स रेज टू पावर 4 एक्स प्लस एक्स रेज टू पावर 4 सिंबल्स आर सेम When symbols are same, then do always subtract. तो यहाँ पे प्लस है तो माइनस हो जाएगा यहाँ पे माइनस है तो ये माइनस बिकम प्लस ओके प्लस एक्स रेज टू पावर 4 टू माइनस एक्स रेज टू पावर 4 कट व्हाट रिमेन प्लस एक्स क्यूब एंड प्लस एक्स क्यूब तो कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब इज हियर नथिंग इट मीन्स 1 हियर ऑल्सो एक्स क्यूब कोफिशियंट इज प्लस 1 तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 एक्स क्यूब नेक्स्ट टर्म माइनस 3 एक्स स्क्वायर ओके अब हमें क्या करना है वापस से डिवाइड करना है तो सबसे पहले हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि यहाँ पे जो पावर्स है वो डिक्रीजिंग फॉर्म में है या नहीं है और रेगुलर भी होनी चाहिए यानी कंटिन्यूसली यहाँ पे पावर 4 पावर 3 पावर 2 पावर 1 एंड पावर 0 अगर कोई भी मिसिंग है सपोज डैट यहाँ पे ये टर्म नहीं है इसके बाद में डायरेक्ट ये है यहाँ पे फिर हम किस तरीके से राइट कर सकते हैं प्लस 0 एक्स स्क्वायर ओके तो अगर हम इस तरीके से राइट करते हैं तो हम इजीली तरीके से इसको डिवाइड कर सकते हैं अदरवाइज वी विल कंफ्यूज ओके नाउ नेक्स्ट डिवाइड दिस एक्स फ्रॉम 2x क्यूब 2x क्यूब में हमें डिवाइड करना है इस एक्स का तो इसकी 1 पावर से 1 पावर कट व्हाट रिमेन 2 पावर तो 2x स्क्वायर तो प्लस 2x स्क्वायर ओके तो इफ यू मल्टीप्लाई एक्स इंटू 2x स्क्वायर देन व्हाट कम 2x क्यूब एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब माइनस साइन माइनस इंटू प्लस इज माइनस माइनस वन इंटू दिस टू एक्स स्क्वायर तो माइनस वन टू जो माइनस टू एक्स स्क्वायर ओके नाउ चेंज ऑफ द सिंबल तो प्लस बिकम माइनस माइनस बिकम प्लस ओके ये हमें कब करना है जब यहाँ पे दोनों सिंबल सेम होंगे तभी हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो यानी प्लस अगर है तो माइनस और माइनस है तो प्लस बन जाएगा ओके तो प्लस 2x क्यूब टू माइनस 2x क्यूब कट व्हाट रिमेन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर माइनस 3 एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज प्लस 2 यानी माइनस 3 प्लस 2 कितना होगा माइनस 1 होगा राइट तो कितना आ जाएगा इससे माइनस 1 एक्स स्क्वायर नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है प्लस 3x ओके अगेन डिवाइड दिस एक्स फ्रॉम माइनस एक्स स्क्वायर तो माइनस एक्स स्क्वायर में एक्स का डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम कट तो व्हाट रिमेन माइनस एक्स राइट हेयर ओके
अगेन इफ यू मल्टीप्लाई दिस एक्स विद माइनस एक्स देन व्हाट कम माइनस एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज हियर इज माइनस वन. ओके माइनस वन मल्टीप्लाई विद माइनस एक्स तो माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस प्लस एक्स. ओके तो यहाँ पे सिंबल्स सेम है तो यहाँ पे माइनस बिकम प्लस और प्लस बिकम माइनस तो माइनस एक्स स्क्वायर टू प्लस एक्स स्क्वायर कट. ओके प्लस कोफिशिएंट ऑफ हियर थ्री कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज प्लस थ्री कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज माइनस वन तो थ्री माइनस वन इज टू एक्स. ओके नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे वन प्लस वन. ओके अब हमें क्या करना है इसका डिवाइड करना है अगेन एक्स का डिवाइड करेंगे टू एक्स में तो टू एक्स अपॉन एक्स तो एक्स एक्स कट व्हाट रिमेन ओनली टू जैसो नो तो यहाँ से टू आ जाएगा हियर. ओके नाउ डिवाइड दिस एक्स सॉरी मल्टीप्लाई एक्स विद टू तो क्या आएगा टू एक्स माइनस वन इंटू टू इज माइनस टू. ओके सिंबल सेम माइनस माइनस प्लस टू एक्स टू माइनस टू एक्स कट व्हाट रिमेन जीरो वन माइनस टू इज माइनस वन तो माइनस वन इज द रिमाइंडर. तो रिमाइंडर यहाँ पे क्या आया रिमाइंडर इज यानी आर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन एंड क्वेश्चन क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू. ओके तो दिस काइंड ऑफ वी हैव डन सॉल्यूशन. ओके सो आई होप यू आर अंडरस्टूड दिस सॉल्यूशन. ओके दिस इज वेरी सिंपल. वन थिंग एक चीज हम भूल गए यहाँ पे कि यहाँ पे हमने सिंबल चेंज कर दिया लेकिन यहाँ पे सिंबल चेंज नहीं किया तो यहाँ पे माइनस बिकम प्लस. ओके तो प्लस वन प्लस टू इज प्लस थ्री तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस थ्री. ओके ओके स्टूडेंट्स नाउ नेक्स्ट पार्ट ऑल्सो सेम एज इट इज. अगर हम इसको सॉल्व करते हैं दिस काइंड ऑफ सेकेंड पार्ट यानी पॉलिनोमियल ऑफ एक्स इज एक्स रेज़्ड टू पावर फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन एंड जी ऑफ एक्स यहाँ पे क्या है थ्री प्लस टू एक्स. ओके थ्री प्लस टू एक्स तो थ्री प्लस टू एक्स इज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. नो दिस इज नॉट ए डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो हाउ टू राइट तो अकॉर्डिंग टू कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हाउ वी कैन राइट यानी ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए तो बी वैल्यू इज टू एक्स एंड वैल्यू ऑफ ए इज थ्री. ओके तो 2x प्लस थ्री तो इसी तरीके से हमें डिवाइड करना है सिंप्लीफाई करना है इसको भी. तो किस तरीके से करते हैं देखिए यहाँ पे आगे इनसाइड ऑफ दिस सिंबल राइट डिवाइड इन पार्ट x रेज़्ड टू पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस वन डिवाइड बाय 2x प्लस थ्री. ओके सो फर्स्टली डिवाइड दिस 2x फ्रॉम x रेज़्ड टू पावर 4 एक्स रेज टू पावर फोर में डिवाइड करेंगे टू एक्स को तो वन पावर से इसकी वन पावर कट हो जाएगी थ्री पावर रिमेन तो एक्स क्यूब अपॉन थ्री एक्स क्यूब अपॉन टू तो यहां से आ जाएगा एक्स क्यूब अपॉन टू. ओके अगर मैं इससे मल्टीप्लाई करूँ टू से टू कट और एक्स इंटू एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब इज एक्स रेज टू पावर फोर. ओके नेक्स्ट टर्म थ्री मल्टीप्लाई दिस तो क्या आएगा यहाँ से थ्री अपॉन टू एक्स क्यूब यानी कि लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म ही होनी चाहिए. नाउ चेंज ऑफ द सिंबल दोनों प्लस के माइनस का यहाँ पे प्लस प्लस यहाँ पे माइनस का देगा इससे कट कितना आएगा कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब हियर इज वन एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स क्यूब इज माइनस थ्री अपॉन टू. इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करेंगे तो टू इज एलसीएम. ओके वन डिवाइड फ्रॉम टू 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 वन जो टू माइनस थ्री तो माइनस वन अपॉन टू तो यहाँ से आ जाएगा माइनस वन अपॉन टू एक्स क्यूब. नेक्स्ट टर्म माइनस थ्री एक्स स्क्वायर. ओके अब वापस से हमें क्या करना है इस 2x का डिवाइड करें माइनस हाफ एक्स क्यूब में तो माइनस हाफ एक्स क्यूब डिवाइड बाय 2x ये 2 कहाँ आ जाएगा डिनोमीटर में इसकी 1 पावर से इसकी 1 पावर का 2 पावर इज रिमेन तो कितना आएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 टू जो 4. ओके तो माइनस एक्स रेज टू पावर एक्स स्क्वायर अपॉन 4. ओके अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 से 4 कट 2 टाइम्स इट मीन्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू तो माइनस एक्स एंड एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन टू तो माइनस एक्स क्यूब अपॉन टू. ओके यहाँ पे सेम हमें यहाँ पे सेटिस्फाई भी हो रहा है इधर. ओके नाउ अब हमें क्या करना है इसका यहाँ पे सेम आ जाएगा माइनस हाफ एक्स क्यूब अब प्लस थ्री मल्टीप्लाई दिस टर्म तो कितना आएगा ऐसे प्लस इंटू माइनस इज माइनस थ्री एक्स स्क्वायर अपॉन फोर. नाउ चेंज ऑफ द सिंबल प्लस यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा इससे कट
कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज माइनस थ्री, कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर हियर इज प्लस थ्री अपॉन फोर. नाउ टेक एल्सियम, फोर इज एल्सियम, फोर थ्री इज ट्वेल्व प्लस यहाँ पे प्लस थ्री तो कितना आएगा माइनस नाइन अपॉन फोर, तो यहाँ से आ जाएगा माइनस नाइन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट टर्म इज प्लस थ्री एक्स, ओके नेक्स्ट टर्म इज प्लस थ्री एक्स. ओके अब अगेन डिवाइड दिस टू एक्स फ्रॉम माइनस नाइन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, नाइन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर में किसका डिवाइड करेंगे, टू एक्स का, फोर नीचे आ जाएगा इसके वन पावर से वन पावर कट, व्हाट रिमेन माइनस नाइन एक्स अपॉन फोर टू जो एट, तो माइनस नाइन अपॉन एट एक्स. ओके अगर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो टू से एट कट फोर टाइम्स, तो माइनस नाइन अपॉन फोर एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, तो माइनस नाइन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर कम. ओके तो यहाँ पे सेम एज इट इज आएगा माइनस नाइन अपॉन फोर एक्स स्क्वायर, इट मीन्स फर्स्ट टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे इस क्वेश्चन से तो ये आ जाएगा, सेकंड टर्म मल्टीप्लाई ऑल्सो सेम क्वेश्चन तो कितना आएगा थ्री नाइन जा यानी प्लस इंटू माइनस इज माइनस, नाइन थ्री जा ट्वेंटी सेवन, ट्वेंटी सेवन अपॉन एट एक्स. ओके अब हम इसको सिंप्लीफाई करना यानी बोथ सिंबल्स आर सेम, देन डू सेपरेट इट में माइनस बिकम प्लस, माइनस बिकम दिस प्लस, तो दिस टर्म टू दिस टर्म कट यानी नेगेटिव टर्म टू पॉजिटिव टर्म कट, वाट रिमेन प्लस थ्री एक्स अपॉन सॉरी प्लस थ्री एक्स एंड कोफिशियंट ऑफ एक्स इज प्लस थ्री एंड कोफिशियंट ऑफ दिस एक्स इज प्लस ट्वेंटी सेवन अपॉन एट. नाउ टेक एल्सियम, एट इज एल्सियम, ओके एट वन डिवाइड फ्रॉम एट इज एट, एट थ्री जो ट्वेंटी सेवन, एट थ्री जो ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन एज इट इज, ट्वेंटी फोर प्लस ट्वेंटी सेवन सेवन फोर इलेवन कैरी वन, टू टू फाइव वन, टू टू फोर प्लस वन फाइव, फिफ्टी वन अपॉन एट, तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिफ्टी वन अपॉन एट एक्स. ओके नेक्स्ट टर्म क्या है यहाँ से प्लस वन, तो प्लस वन ऑल्सो राइट हेयर. ओके नाउ डिवाइड दिस टू एक्स फ्रॉम फिफ्टी वन अपॉन एट एक्स, तो फिफ्टी वन अपॉन एट एक्स में टू का डिवाइड करेंगे एट का आएगा नीचे, तो कितना आएगा यहाँ से फिफ्टी वन एक्स अपॉन एट टू जो सिक्सटीन, करेक्ट यहाँ पे टू एक्स है, टू एक्स का डिवाइड करना एक्स से एक्स कट. ओके तो कितना आएगा यहाँ से फिफ्टी वन अपॉन सिक्सटीन, तो प्लस फिफ्टी वन अपॉन सिक्सटीन हियर वी आर रिटर्न. इफ यू मल्टीप्लाई दिस टू दिस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई दिस फिफ्टी वन अपॉन सिक्सटीन, ओके तो व्हाट कम फिफ्टी वन अपॉन एट एक्स. ओके तो नेक्स्ट स्टेप फिफ्टी वन अपॉन एट एक्स, सेकेंड टर्म इज थ्री, थ्री मल्टीप्लाई विद दिस फिफ्टी वन अपॉन सिक्सटीन इंटू थ्री, तो व्हाट कम फिफ्टी वन थ्री जब वन फिफ्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन, वन जब सिक्सटीन तो वन फिफ्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन प्लस वन फिफ्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन. ओके नाउ चेंज ऑफ द सिंबल माइनस प्लस हियर, तो माइनस इससे ये कट हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ से वन माइनस वन फिफ्टी थ्री अपॉन सिक्सटीन, गोट इट. इसको सिंप्लीफाई करते सिक्सटीन इज एलसीएम, वन डिवाइड फ्रॉम सिक्सटीन, वन डिवाइड फ्रॉम सिक्सटीन देन व्हाट कम सिक्सटीन, सिक्सटीन मल्टीप्लाइज न्यूमरेटर माइनस सिक्सटीन डिवाइड फ्रॉम सिक्सटीन वन, वन मल्टीप्लाइज वन फिफ्टी थ्री, तो वन फिफ्टी थ्री, तो कितना आएगा सिक्सटीन माइनस वन फिफ्टी थ्री इज माइनस यानी थर्टीन माइनस सिक्स इज सेवन, हियर हाउ मेनी रिमेन फोर, फोर माइनस वन इज थ्री एंड वन माइनस वन थर्टी सेवन अपॉन सिक्सटीन. ओके तो यहां से माइनस वन थर्टी सेवन अपॉन सिक्सटीन इज द करेक्ट आंसर. ओके सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन रिमाइंडर, तो रिमाइंडर इज रिमाइंडर ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस वन थर्टी सेवन अपॉन सिक्सटीन एंड द क्वेश्चन ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस नाइन अपॉन एट एक्स प्लस फिफ्टी वन अपॉन सिक्सटीन. सो हियर आई रिटर्न, आई विल राइट हियर एक्स क्यूब अपॉन टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन फोर माइनस नाइन अपॉन एट एक्स प्लस फिफ्टी वन अपॉन सिक्सटीन. सो दिस काइंड ऑफ वी हैव डन सोल्यूशन, इट मीन्स वी हैव टू फाइंड रिमाइंडर ऑफ एक्स एंड क्वेश्चन ऑफ एक्स. ओके इफ यू विल डू सॉल्व बाई योर सेल्फ, अगेन डू प्रैक्टिस, इफ यू आर फेसिंग एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क ऑन व्हाट्सएप नंबर. ओके गाइज सो ऑल आर डू मोर एंड मोर प्रैक्टिस ऑफ द सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन. ओके ओके बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू.